अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। क्या आपको नमाज बोझ लगती है? क्या हम ये सोचते हैं कि नमाज एक बोझ है हमारे लिए? अगर हम सोचते हैं तो ऐसा क्यों सोचते हैं? ये एक अपॉर्चुनिटी है अल्लाह से बात करने की, अल्लाह से मुलाकात करने की। नमाज सूरत फातिहा से लेकर सलाम तक एक दुआ है आपके और अल्लाह के दरमियान, एक ऐसी दुआ जो अगर कबूल हो जाए तो आपकी दुनिया भी अच्छी और आपकी आखिरत भी अच्छी। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि हमें नमाज क्यों बोझ लगती है? एक बात हमेशा याद रखिए कि अल्लाह अपनी इबादतों का बोझ किसी पे डालता नहीं है। तो अल्लाह पाक को हमारी इबादतों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक ने ये जो इबादत बनाई है ना, ये अपने लिए नहीं बनाई, ये इसलिए बनाई है ताकि हम दुनिया में रहकर इन्हीं इबादत के ज़रिए सर्वाइव करें। जो इबादत हम कर रहे हैं इन्हीं इबादत की वजह से हमें इस दुनिया में सर्वाइव करना है। इस दुनिया के साथ हमें आखिरत में भी यही इबादत हमारी निजात का ज़रिया बनेगी। फिर इबादत में बोझ कैसा, फिर नमाज में बोझ कैसा? एक दफ़ा सोचिए, अगर हमें सजदे की तौफीक ना मिलती, अगर हम ये इबादत ना करते और हमें इंसानों के रहमो करम पे छोड़ दिया जाता तो हमारा क्या हाल हो जाता? क्या हमें सुकून मिलता? तो ये जो इस ज़िंदगी में इतना सुकून है, क्या ये हमें मिलता? हरगिज़ नहीं। ये सिर्फ हमें अल्लाह की याद से मिल रहा है, जो कि हमारा ही फ़ायदा है। भाई, हम तो खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह पाक ने हमें नमाज जैसी इतनी प्यारी नेमत से नवाजा। हमने सजदा किया, हम अपने अल्लाह को सजदा करते हैं। नमाज में उठना, नमाज में बैठना, नमाज में रुकू करना, नमाज में सजदा करना, बहुत खूबसूरत चीज़ों से अल्लाह ने हमें नवाजा हुआ है। हम खुशकिस्मत हैं कि हम अल्लाह से बात कर सकते हैं। हम खुशकिस्मत है कि हम अल्लाह से मुलाकात करते हैं। दिन में 5 मरतबा अल्लाह पाक से मुलाकात करते हैं, अल्लाह पाक से बात करते हैं। तो क्या हमसे ज़्यादा खुश नसीब कोई हो सकता है? नेवर एवर। ठीक है, तो हमने इसको बोझ नहीं समझना। हम लोगों को भी तो देखे जो नमाज से महरूम है, जो नमाज ही नहीं पढ़ सकते। नमाज दुनिया की सबसे सेफ जगह है। नमाज हम पढ़ते हैं, वही नमाज हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ा करते थे। नमाज में हम जो दुआएं मांग रहे होते हैं ना, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी जगह उसी जाय नमाज पे बैठ के दुआ मांगा करते थे। और हमें यह भी लगता है कि नमाज तो पढ़ ली, दुआ तो कबूल नहीं हुई। तो अगर आप अपनी नमाजों में पाबंदी किया करेंगे, अल्लाह पाक उतनी ही पाबंदी आपकी दुआओं की कबूलियत में करेगा। राइट, जब भी आपने नमाज के लिए खड़े होना है कि आपने ये सोचना है हमें सुनने के लिए आया है, तो अगर आप ये सोचेंगे कि अल्लाह हमें सुनने के लिए आया है, आज फिर आपको कभी भी बोझ नहीं लगेगा। इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। राइट, इसके लिए दिल लगाना पड़ता है, जाए नमाज पर खड़ा होना पड़ता है और जाए नमाज पर खड़ा होकर दिल लगाना पड़ता है। राइट, तो अपनी नमाजों का ख़ास ख्याल रखिए और नमाज को बोझ ना समझिए। पढ़ते हैं तो पूरा ध्यान रखा करें कि सिर्फ हम अल्लाह से बातें करें कि अल्लाह हमें देख रहा है। ठीक है, और वाकई अल्लाह हमें देख रहा होता है। अगर हम इसको इस नीयत से पढ़ेंगे कि हम अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं और अल्लाह हमें देख रहा है और अल्लाह हमें सुनने के लिए आया है, तो फिर बिल्कुल भी नमाज आपके लिए आसान कर दी जाएगा। ठीक हो गया, तो इसलिए अपनी नमाजों का अहतमाम कीजिए और इसको अच्छे तरीके से अदा करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बोझ बिल्कुल भी नहीं है।